सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की मांग की है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब से ये पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 7,95,000 करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई कर्ज माफी नहीं की है। साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राजस्थान में 20,56,000 से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। राज्य सरकार ने कल कुल 14,000 करोड़ माफ किया है और इसमें 6,000 करोड़ बीजेपी सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी के भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत ने यह लिखा कि मुझे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान के किसानों की कर्ज माफी के बारे में पुनः ध्यान दिलाना पड़ा, क्योंकि 18 दिसंबर को पीएम ने बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा कि राजस्थान में किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता दूसरी है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार के अधीन आने वाले सहकारी बैंकों से कर्ज माफी का इंतजार कर रहा हो। कर्ज माफी का इंतजार वही बचे हुए किसान कर रहे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लिया और केंद्र सरकार ने उनके कर्ज माफ नहीं किए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह लहरू का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए, कर्ज माफी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत शुरू से ही चर्चाएं रही हैं और अब जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएमओ को पत्र लिखा है और साथ ही कहा है कि जो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक सम्मेलन में कहा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या अपडेट इसके बारे में? देखिए मनीषा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं और कई बार वो सार्वजनिक सभाओं से भी ये मांग कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये एक बड़ा मुद्दा बनाती है कि कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और कर्ज माफी नहीं की। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंकें थी उनके किसानों का जो ऋण था वो माफ किया है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से जो किसानों को जो ऋण मिलता है वो केंद्र सरकार के अंडर में राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो कर्जा है किसानों का वो केंद्र सरकार ही कर सकती है और उसकी वो मांग लगातार करते हैं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा और पत्र में ये उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनका कर्जा माफ करे केंद्र सरकार, और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 7.95 लाख करोड़ रुपए के उद्योगपतियों का कर्ज राइट ऑफ हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई कर्ज माफ नहीं किया। तो ये लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो स्थिति थी, जो हमने वादा किया था, हमने राजस्थान में निभाया है, किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन जो केसीसी है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसको केंद्र सरकार कर्जा माफ करे। केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उद्योगपतियों का जो है कर्जा वो मोदी सरकार माफ कर रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो कर्जा है वो माफ करना चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यूपीए ने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे, जब यूपीए की सरकार थी देश में तो किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन एनडीए ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया लेकिन अब तक 1 रुपए का कर्जा माफ किसानों का नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करना चाहिए। तो किसानों को लेकर जो मौजूदा जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सियासत तेज है। लगातार जो प्रदेश के बीजेपी के नेता है या केंद्र के कोई भी नेता आते हैं तो यहाँ पर किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि हमने जो वादा किया है उसको निभाया है। अब ऐसे में मोदी सरकार को भी राजस्थान सरकार की तुलना में आगे बढ़कर जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिनसे किसानों ने केसीसी का जो पैसा लिया है, जो कर्जा लिया है, उसको माफ करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो वादा उनका था उन्होंने पूरा नहीं करा, लेकिन राजस्थान में कोई ऐसा किसान नहीं है जो कर्ज माफी का इंतजार कर रहा हो।